दोस्तों, खजूर तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन खजूर के इन बेनिफिट्स के बारे में शायद ही आपको पता होगा, जो न सिर्फ आयुर्वेद में बताए गए हैं बल्कि मॉडर्न स्टडीज भी आज की डेट में इन्हें प्रूव कर चुकी हैं। एक बार में कितने खजूर खाने चाहिए, क्या है खजूर खाने का सही तरीका, अगर आप डायबिटिक हैं तो क्या खजूर खा सकते हैं, बात करेंगे प्रैक्टिकल तरीकों की जिससे आप खजूर को इजीली डाइट में इंक्लूड कर सकें और इस सुपर फूड से मैक्सिमम फायदा ले सकें। आइए तो फिर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेट्स का सबसे पहला फायदा तो यही है कि ये एक्सलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपको थकान रहती है, शरीर में कमजोरी सी महसूस होती है, आलस आता है या ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है तो आपको 2 से 4 खजूर रोजाना खाने चाहिए। इनफैक्ट अगर आप 2 ड्राई डेट्स लें, उनको रात को दूध में उबाल कर पिएं और साथ में दोनों छुहारे खा लें तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में पहले से ज़्यादा फुर्ती आ गई है। और 4 खजूर अगर थोड़े पानी में भिंगो दें और जिम जाने से पहले 10 या 15 मिनट पहले खा लें और साथ में पानी भी पी लें तो आपको ये ऐसी एनर्जी देगा कि सभी प्री वर्कआउट इसके सामने फेल हो जाएंगे। पोस्ट वर्कआउट में भी 4 भींगे हुए खजूर को सत्तू पाउडर के साथ ब्लेंड करके पिएं, वो प्रोटीन से कहीं बेहतर एक नेचुरल पोस्ट वर्कआउट शेक का काम करेगा। दोस्तों, डेट्स में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर जैसे काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाते हैं और खून की कमी को पूरा करते हैं। स्टडीज तो यहाँ तक कहती है कि अगर कोई रोज 1 खजूर भी खा ले तो उसको एथराइटिस जैसी दिक्कत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपने देखा होगा कि मुस्लिम भाई रोजा खजूर खाकर तोड़ते हैं, इससे उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और इतनी फास्टिंग करते हुए भी उन्हें जरा सी भी कमजोरी महसूस नहीं होती। इसीलिए किसी भी एनर्जी बार्स की जगह अगर खजूर खा लें तो आपके शरीर में भरपूर एनर्जी रहेगी। डेट्स का एक बहुत ही प्रैक्टिकल बेनिफिट है कि ये एक नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट है। दोस्तों, हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं, वो मीठी ज़रूर होती है लेकिन उसमें इतना सा भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, सिर्फ कैलोरीज होती हैं। और वही डेट्स नेचुरली मीठे तो होते ही हैं, साथ में ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिएंट फूड्स में एक है। खजूर खाने से आपको बी कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और ढेर सारा डाइट्री फाइबर मिलता है। इसके साथ साथ डेट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेविनोइड्स भी होते हैं जिससे बॉडी में शुगर आसानी से एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए तो खजूर इतना मीठा होने के बाद भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42 है, जिस वजह से इसे लो जीआई फूड्स की श्रेणी में रखा जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई एक संख्या है जो आपको ये अंदाज़ा देती है कि आपके शरीर में जो भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कितनी तेज़ी से करता है। रिफाइंड चीनी का जीआई भी बहुत है, 63 होता है, इसलिए इसे खाते ही डायबिटीज़ बिगड़ने लगती है और मोटापा भी बढ़ता है। खैर, रिफाइंड चीनी का नेचुरल फूड शुगर से क्या ही कंपैरिजन, जो इस तरह से केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं कि बॉडी उसे ठीक ढंग से एब्जॉर्ब ही ना कर पाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब 5 डिफरेंट वेराइटीज़ के डेट्स को डायबिटिक पेशेंट्स पर टेस्ट किया गया तो ये बात प्रूफ हुई कि इसका फाइबर और स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मीठा भी खा सकें और नुकसान की जगह फ़ायदा मिले तो खजूर खाएं। आप मार्केट से ड्राई डेट्स पाउडर्स खरीद लें, चीनी की जगह इसका इस्तेमाल करें। भिंगोए हुए डेट्स को आप मिल्क शेक, स्मूदीज, मिठाइयों में डालकर एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद डेट्स के एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप रेगुलरली खजूर खाएंगे तो इससे आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी आँखें, आपका हर्ट हमेशा जवान रहेगा। स्पेशली अरब कंट्रीज़ में ये देखा गया है कि स्टडीज से ये प्रूव भी हुआ है कि जो लोग रेगुलरली खजूर खाते हैं उनके स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। कोलेजन बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी बढ़ेगी, जिससे उम्र से पहले जो झुर्रियाँ हैं वो नहीं पड़ती। खजूर पिगमेंटेशन को भी एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता, जिसकी वजह से स्किन पे निखार आता है और काले धब्बे की प्रॉब्लम अगर हो तो वो भी कम होने लगती है, क्योंकि डेट्स नसों में खून के बहाव को बढ़ाते हैं और इससे हेयर फॉलिक्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। डेट्स में बी विटामिन अच्छी मात्रा में होते हैं जो कि हेयर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं। डेट्स विजन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये विजन को इम्प्रूव करती है। इनफैक्ट नाइट ब्लाइंडनेस के ट्रीटमेंट में आज भी डेट्स को यूज़ किया जाता है। दोस्तों, डेट्स में सोडियम बहुत कम होता है लेकिन पोटेशियम बहुत है,
जिस वजह से ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लिमिट में रखते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और दिल की धड़कनें भी एक सीमा से ज़्यादा तेज नहीं होती। अब आते हैं डेट्स का उपयोग डाइजेशन में कैसे होता है। सिर्फ 3 खजूर अगर आप खा लें तो डेली रिक्वायरमेंट के 20% फाइबर्स आपको मिल जाएंगे। सोचिए कितना फाइबर है। इस वजह से डेट्स खाने वालों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होती। एक स्टडी हुई थी जिसमें 21 लोगों को 21 दिन तक 7 डेट्स खाने को दिए गए। ऐसा देखा गया कि डेट्स खाने से सभी के इंटेस्टाइन मूवमेंट इंक्रीज हुए और पेट खुलकर साफ होने लगा। उल्टा सीधा खा खा कर हमारे आंतों को कितना नुकसान होता है, कितना पुराना मल अंदर रुका होता है। और अगर आप डेट्स खाएंगे तो आपकी बॉडी अपने आप खुद ही बेहतर ढंग से डिटॉक्स करने लगेगी। इनफैक्ट स्टडी से ये पता चला कि डेट्स खाने से आंतों में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज होते हैं और अगर कैंसरस सेल्स हैं तो वो मरने लगते हैं। आप रोज़ रात में 4 से 5 डेट्स पानी में भिगो दें और सुबह ब्रेकफास्ट से पहले खा लें, साथ में वो पानी पी लें। इससे आपको डेट्स की गर्मी भी नहीं होगी और डाइजेशन की जो प्रॉब्लम आती है वो भी खत्म होने लगेगी। आप यही डेट्स शाम के 5 बजे भी स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं। दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं ब्रेन हेल्थ की। अगर आप अपनी मेमोरीज़ को इंक्रीज करना चाहते हैं, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो खजूर खाना शुरू कर दें। दोस्तों, खजूर का सीधा एक्शन बॉडी की सूक्ष्म नाड़ियों पर होता है जो ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन रखती है। आयुर्वेद की माने तो खजूर शरीर की ओजस शक्तियों को बढ़ाता है जिससे क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। मॉडर्न स्टडीज़ भी आज ये मानती है कि डेट्स खाने से ब्रेन सेल्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होता, जिससे अल्जाइमर डिजीज़, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन आदि कम होने लगते हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि वर्टिगो जिसमें चक्कर आते हैं या बार बार सर में दर्द होता है, माइग्रेन, इन सब में नियमित ढंग से खजूर खाने से विशेष फायदा होता है। तो दोस्तों, ये तो क्लियर है कि खजूर एक सुपर फूड है। अगर आप इसे सही तरीके से खाएंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीनी का बेहतरीन विकल्प होने के साथ साथ ये आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा और अनेकों बीमारियों से बचाएगा। अगर आपको ये वीडियो खजूर खाने के लिए मोटिवेट करती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।